एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का जीतना तय है। ऐसे में देश का अगला राष्ट्रपति कौन होने वाला है ये भी सबको मालूम है। हम आपको देश की होने वाली 16वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़े कुछ अनसुने किस्से बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि द्रौपदी मुर्मू की शादी का दिलचस्प किस्सा। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की लव मैरिज हुई थी। भुवनेश्वर में बीए की पढ़ाई करने के दौरान द्रौपदी टुडू की मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई थी। द्रौपदी टुडू, जी हाँ, शादी से पहले उनका यही नाम था। श्याम चरण मुर्मू को द्रौपदी से प्यार हो गया। प्रेम इतना गहरा था कि साल 1980 में श्याम चरण मुर्मू द्रौपदी के घर रिश्ता लेकर पहुंच गए थे। यही नहीं, श्याम चरण अपने गांव के रिश्तेदारों को लेकर ऊपरवाड़ा नाम के गांव पहुंच गए थे जहां द्रौपदी का घर था। वो पक्का मन बनाकर आए थे कि शादी की बात पक्की करके ही वापस लौटेंगे। इधर द्रौपदी के पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, काफी गुस्से में थे, लेकिन द्रौपदी टूटू चाहती थी कि श्याम से ही उनकी शादी हो। ऐसे में काफी मान मनोबल के बाद शादी तय हुई। अब जब शादी भी तय हो गई तो बात आई दहेज की। द्रौपदी मुर्मू संथाली समाज से आती हैं और इसी समाज से उनके पति श्याम भी आते थे। इस समाज में लड़के वाले ही लड़की को दहेज देते हैं। तय हुआ कि दहेज में एक गाय, बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे। अब आपको किस्सा बताते हैं द्रौपदी मुर्मू की राजनीति से जुड़ा हुआ। द्रौपदी मुर्मू सभासद पद पर रहीं। सबसे पहले उन्होंने यही चुनाव जीता था, उसके बाद 2 बार विधायक रहीं, ओडिशा में सरकार में मंत्री रहीं और झारखंड की राज्यपाल रहीं। लेकिन उनके करियर का एक किस्सा बड़ा मजेदार है, जब उन्होंने एक दूसरे दल के नेता के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी। दरअसल हुआ ऐसा था कि साल 2009 में ओडिशा की रंगरायपुर सीट से द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ये बात बताई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता प्रहलाद पुर्ती ने। उन्होंने कहा था कि मेरे और मुर्मू जी के रिश्ते हमेशा काफी अच्छे रहे। साल 2009 में तो उन्होंने मेरे लिए रायरंगपुर की सीट ही छोड़ दी थी और फिर उन्होंने वहां से चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि द्रौपदी मुर्मू के लिए उनके जीवन के 5 साल जो हैं वो बेहद खराब बताए जाते हैं। ये साल 2009 से लेकर 2014 के बीच के थे। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने अपने 2 जवान बेटों और अपने पति को खोया। कहा जाता है कि एक के बाद ऐसे जो सदमे उनको मिले उससे वो काफी डिप्रेशन में चली गई थी। द्रौपदी मुर्मू का निजी जीवन बेहद उतार चढ़ाव वाला था, लेकिन इसका असर कभी भी उनके काम पर नहीं पड़ा। कई लोग तो ऐसे किस्से सुनाते हैं कि जब द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी उस वक्त लोग जमीन जायदाद के, राशन कार्ड के, पेंशन जैसी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर भी राजभवन पहुंच जाते थे, फिर भी उनकी सुनवाई होती थी। ऐसा नहीं था कि कोई भी राजभवन के दरवाजे से ही लौटा दिया गया हो। इसके पीछे द्रौपदी मुर्मू के मिलनसार व्यवहार को माना जाता है। इस तरह की और किस्से, कहानियों और जानकारियों के लिए आप देखते रहें टाइम्स नाउ नव भारत। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।